नमस्कार, मैं हूं अंश ग्रोवर। हम सभी के बहुत से सपने हैं, कुछ तय मंजिलें हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बारी हमारे इन रास्तों में चुनौतियां आ जाती हैं जो हमें हमारी मंजिल से कोसों मील दूर कर देती हैं। लेकिन हम इंडियंस इस मामले में बहुत लकी हैं, क्योंकि हमारे पास है एक मजबूत सरकार और एक जिम्मेदारी उठाती पुलिस। सरकार और पुलिस जड़ और टहनी की तरह है। जहां सरकार जड़ की तरह हमें नई अपॉर्चुनिटी से मिलवाती है, वहीं पुलिस हर समय हमारी रक्षा करते हुए हमें निडर बनाती है। सरकार द्वारा लिए गए कुछ इनिशिएटिव्स और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा उनकी 100% एग्जीक्यूशन डेफिनेटली हमें एक बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती है। हमारी जिंदगी को खुशहाल और सफल बनाने के लिए आरंभ हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसने उन बेबस, गरीब, बेसहारा और जुल्म की राह पर चल पड़े नौजवान युवाओं को दिखाई एक उम्मीद की किरण। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत चलाई जा रही इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत देश के युवाओं को उनके हुनर में माहिर बनाया गया, जिससे वो इंडस्ट्री की स्पेशल ट्रेनिंग हासिल कर रोजगार को पा सके और खुद का और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। इसी योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ पुलिस ने युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वो पुलिस स्टेशन में होती स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का हिस्सा बने और अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सिटी ब्यूटीफुल के सेक्टर 26 के थाने में, जहाँ पे नौजवानों को होटल मैनेजमेंट और रिटेल सेल्स एसोसिएट की ट्रेनिंग मिल रही है। उन्हें बकायदा बताया जाता है कि एक अच्छे होटल में नौकरी करने के लिए अपने आप को कैसे तैयार किया जाए। सभी स्टूडेंट्स को बैग्स, ड्रेसेस, एक्सेसरीज की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। एटिकेट्स, मैनर्स और बॉडी लैंग्वेज के बारे में अच्छे से इन स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है। रिटेल सेल एसोसिएट के लिए भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है। कस्टमर इज द किंग, उन्हें ये बखूबी समझा कर उनके हुनर में उन्हें माहिर बनाया जाता है। तो अब लेके चलते हैं आपको सेक्टर 34 के थाने में, जहां पे स्टूडेंट्स को जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स के रूप में तैयार किया जाता है। इस प्रकार से एक असिस्टेंट हॉस्पिटल में पेशेंट की बेसिक हाइजीन में उनकी मदद करता है। उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हुए ये सब समझाया जाता है। आप जब भी पेशेंट के पास जाएं, तो इस बात का ख्याल हमेशा रखें कि वो बीमार है, तो कुछ भी उसकी सहमति के बिना ना कर इस बात का ख्याल रखा जाए। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी दी जाती है। सभी स्टूडेंट्स कंप्यूटर से रिलेटेड भी सारे ज्ञान को अर्जित करते हैं और कंप्यूटर में माहिर हो जाते हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने चंडीगढ़ के युवाओं के लिए एक नई पहल की सोच करी थी, जिसमें कि भारत सरकार के द्वारा चालित ऑलरेडी स्कीम्स को इस्तेमाल करके बच्चों के फ्यूचर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत एक बहुत बड़ा कदम था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके तहत
ट्रेनिंग और उसके ट्रेनिंग का जो खर्चा है वह सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है, और एक बच्चा जिसको ज़रूरत हिंदुस्तान का नागरिक युवा, उसमें स्किल की ट्रेनिंग लेकर उसकी जॉब मुहैया कराई जाती है। तो इसमें हमने, इसकी पहल में हमने चंडीगढ़ में 3 पुलिस स्टेशन 26, 34 और पुलिस पोस्ट 24 के अंदर बैरक्स को खाली करके वहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए, जिसमें कि हमने 2 ट्रेनिंग पार्टनर्स की मदद से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के तहत हमारे एम्पैनल्ड हैं, उन्होंने 4 चीज़ों में, फूड एंड बेवरेजेस जो होटल्स में लगते हैं, एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट और एक ब्यूटी थेरेपिस्ट और एक रिटेल सेल्स एसोसिएट, इन 4 चीज़ों में, इन 3 थानों में 150 बच्चों का प्रशिक्षण हो चुका है। उसके आधार पे इनको नौकरी मिलेगी और ये उनके व्यक्तित्व और उनके कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, और भारत के विकास में जो इन युवाओं का योगदान होना चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव योगदान होना चाहिए, मुझे उम्मीद है इससे वे बच्चे उसमें अपना बढ़ चढ़ कर भाग ले पाएंगे। इस उम्मीद के साथ हमने यह कार्यक्रम करा है, और मैं इस कार्यक्रम के लिए अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स, हमारी पुलिस फोर्स के साथ साथ NSDC, स्किल मंत्रालय, जिन्होंने हमें इसका ट्रेनिंग पार्टनर्स और ट्रेनिंग स्लॉट्स का सैंक्शन किया, बहुत आभारी हूँ। और इस योजना के लिए भी कि भारत सरकार ने जो चलाई है, ये गलत रास्तों पे जाते हुए युवाओं को वापस एक कंस्ट्रक्टिव रास्ते पे लाने में बहुत कारगर सिद्ध होगी। जय हिंद।